बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप सभी ने 90 के दशक में कई सारी खूबसूरत और गॉर्जियस अभिनेत्रियां देखी होंगी, जिन्होंने पहले बॉलीवुड में खूब शोहरत हासिल की और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलने के बाद उनसे शादी करके सेटल हो गयी। लेकिन दोस्तों, वही बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक की कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जो आज तक कुंवारी बैठी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनके कुंवारी बैठने के पीछे आखिर क्या वजह है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो अभी तक कुंवारी बैठी है, और ये भी बताने वाले हैं कि वो आखिर कुंवारी क्यों बैठी है। तो चलिए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1, करिश्मा कपूर। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया है, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन शामिल हैं। मगर इनका रिश्ता किसी के साथ चल नहीं पाया और जब इन्होंने संजय कपूर से शादी की तो इनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और टूट गयी, जिसके बाद ये अब तक दो बच्चों के साथ एक सिंगल मदर का कैरेक्टर निभा रही है। नंबर 2, तब्बू। 90 के दशक की वर्सेटाइल एक्ट्रेस तब्बू का नाम भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया है, जैसे संजय कपूर, साजिद नाडियावाला और नागार्जुन से जोड़ा गया है। पर उनमें से किसी के साथ भी इनका रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं चला, इसलिए अपने इतने सारे ब्रेकअप होने के बाद ये बॉलीवुड में अब तक कुंवारी ही जिंदगी बिता रही है और किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है। नंबर 3, महिमा चौधरी। परदेश मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी ने वैसे तो साल 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी, पर इनकी शादी किसी वजह से ज्यादा सालों तक नहीं चल पाई, जिसके चलते इन्होंने उनसे साल 2013 में डिवोर्स ले लिया था और उसके बाद से ही आज ये अपनी बेटी के साथ एक सिंगल मदरहुड एंजॉय कर रही है और कुंवारी ही बैठी हुई है। नंबर 4, सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स रह चुकी अभिनेत्री सुष्मिता सेन बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री है, जिन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, मगर ये अपनी हिट फिल्मों से ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चाओं में रही है। जी हां, इनके कई सारे अफेयर्स रहे हैं, मगर इन्होंने कभी शादी नहीं की और हमेशा सिंगल ही रही। पर हाल ही में इनका 12वां लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप जो कि रोमन शॉल के साथ था, वो भी टूट चुका है, जिसके बाद ये सिंगल और कुंवारी हैं। नंबर 5, मनीषा कोइराला। सौदागर और मन जैसी फिल्मों में काम करके मशहूर होने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला के भी इंडस्ट्री में काफी सारे अफेयर्स रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि नाना पाटेकर से लेकर विवेक अमुश्रान तक के साथ इनका नाम जोड़ा गया है, पर इनका रिश्ता किसी के साथ भी नहीं चल सका और साल 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, मगर अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से इनकी शादी टूट गई, जिसके बाद से इन्होंने किसी से शादी नहीं की और अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। नंबर 6, नगमा। बागी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली अभिनेत्री नगमा का अफेयर कई अभिनेताओं के साथ रहा था, मगर इन्होंने किसी से भी शादी नहीं की और आज तक कुंवारी ही अपनी लाइफ बिता रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों को शादी कर लेनी चाहिए या फिर इनकी कुंवारी वाली लाइफ ही बेस्ट है? आप हमें कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।